देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। बीते कल प्राकृतिक का प्रकोप देखने को कुछ इस तरह मिला कि हजारों घर और पेड़ उजड़ गए। आसमान से आए तूफान ने गुवाहाटी से तबाही मचाते हुए जोरहट से होते हुए तीनसुकिया तक भयानक तबाही मचा दी, जिसमें हजारों घरों के छत उखड़ गए, कई पेड़ भी गिर गए। गलीमत तो इस बात की रही कि किसी तरह के जान माल का नुकसान सुनने में नहीं आया, जबकि तूफान की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। साथ ही धूल और मिट्टी तूफान में यूं घुल गए थे जैसे आसमान पूरा अंधेरा सा छा गया हो। इस तरह का तूफान पहले कभी नहीं देखने को मिला। मौसम विभाग की माने तो 16 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच इस तरह की एक और तूफान या भूकंप की आने की संभावना लग रही है। इंडियन प्राइम न्यूज की तरफ से हम आपको बताते रहते हैं कि आप अपने परिवार और अपनी सुरक्षा करिए और घर पर रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए। जय हिंद, जय भारत। असम से संवाददाता विक्की कारनानी और संदीप गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। ये तूफान का कहर, जोरहाट का नजारा